हेलो दोस्तों, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें किस स्टॉक पे पैसा लगाना चाहिए। तो पीटे हुए स्टॉक पे पैसा लगाना चाहिए और दम भर कमाना चाहिए। तो आज मैं ऐसे ही स्टॉक बताने वाला हूं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लीजिए। तो आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। तो वो कौन सा स्टॉक है जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है? वो स्टॉक है दोस्तों अवंती फीड्स। ठीक है, अवंती फीड्स का दोस्तों अभी प्राइस इंक्रीज होने वाला है 3% या 4%, जो भी इंक्रीज होगा। लेकिन दोस्तों 1% भी अगर इंक्रीज होता है तो सोच रहे हो ना, हमें गवर्नमेंट कितना, मान लो दोस्तों अगर हम बैंक में पैसा लगाते हैं तो हमें 7% मिलता है, वो भी 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर हमें 7% मिलता है। अगर हमें मार्केट में मिल जा रहा है 2 या 3% एक दिन में, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, तो अवंती फीड्स को खरीदो, दम भर खरीदो दोस्तों, जोश में आके खरीदो, जो भी खरीदना है दम भर खरीदो दोस्तों अवंती फीड्स जैसे स्टॉक को। मैं बोल रहा हूँ अभी देखिए 600 के स्टॉक, 600 के प्राइस में अभी जो है आपको यहाँ ट्रेड होते हुए दिख रहा, तो ऐसे स्टॉक को छोड़ना नहीं है। और आपको दोस्तों सुन के हैरानी होगी कि अवंती फीड्स के बहुत मतलब कि ग्रो हो रहे हैं। अब क्या ग्रो हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अवंती फीड जो है आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा 50% मार्केट कैपिटलाइजेशन अवंती फीड्स के पास है अपने दोस्तों सेक्टर में। ठीक है, और गवर्नमेंट बोल रही है दोस्तों, गवर्नमेंट ने बताया है कि जो है और इम्पोर्ट को इंक्रीज़ किया जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया जाएगा। तो ठीक है, जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है दोस्तों, उससे हमारे देश को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अगर हमारे देश से कोई सामान, कोई मान लीजिए गुड्स जो है, अगर आउट ऑफ द कंट्री को भेजा जाता है, मान लीजिए एक्सपोर्ट करते हैं, तो दोस्तों हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जैसे कि इंडिया में जो भी कंपनी है, ठीक है, उसी तरह दोस्तों अवंती फीड्स को देख लीजिए। ये यहाँ पर देख सकते हैं लार्जेस्ट है, मतलब कि दोस्तों जो फीड्स बनाते हैं उसमें बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों अवंती फीड। और ये देखिए कंपनी जो है अभी देखिए कुछ दिनों से बूस्ट में ही चल रहा, 500 के लेवल में था, 500 के लेवल में आते ही दोस्तों इसने देखिए 780, मतलब कि दोस्तों 5 से 800, 5 से दोस्तों 800 के आस, आठ आठ 800 के आसपास जाने लगा दोस्तों ये स्टॉक। फिर यहाँ पर देखिए, तो मानता हूँ दोस्तों कि ये स्टॉक जो है बहुत पहले से गिरा हुआ है। ठीक है, और गिर चुका है दोस्तों, बहुत ऐसे भी लोग हैं जो फंसे हुए हैं, जिनको लॉस दिया है। तो देखिए होता है जो एग्रीकल्चर में, आप जहाँ भी देखिएगा, आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, तो किसान उन्हीं के बल पे जो है हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं दोस्तों उन्हीं के। ठीक है, हम क्या करते हैं इधर जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, लेकिन जो बेस है हमारा वो एग्रीकल्चर ही है। अगर वो नहीं रहा तो पूरा दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह दोस्तों जो फीड है यहाँ पर वो बनाती है कंपनी, वो मतलब अच्छी है। ठीक ना, लेकिन क्या है दोस्तों कि कभी कभी कोई वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि जब जरूरत नहीं पड़ती है, जब इसका सब्स्टिट्यूट आना स्टार्ट हो जाता है, तब जाके मार्केट में एक प्रॉब्लम जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ऐसी कंपनी गिर जाती है। लेकिन गिरने के बाद जब गिर जाती है तो दोस्तों हमें ऐसी कंपनी को खरीद लेना चाहिए अच्छा मौका देख के। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा बहुत गिरावट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंट्राडे के लिए काम करो या फ्यूचर ऑप्शन के लिए काम करो, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदो तो भाई आपको भी प्रॉफिट होगा, मुझे भी प्रॉफिट होगा, मुझे ये प्रॉफिट होगा कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और स्टॉक भी दोस्तों बहुत ज़्यादा पहले जो था वो बेरिश ट्रेंड में था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है बुलिश ट्रेंड में आ रहा है। देखिए धीरे धीरे, ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलेंगे यार मैंने तो आज खरीद लिया, आज लॉस हो गया, कल खरीद लिया, 2 दिन से स्टॉक पड़ा है यार लॉस ही हो रहा है। तो स्टॉक जो है धीरे धीरे परफॉर्म कर रहा है, तो आपको भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आप 1-2 दिन के लिए इंट्राडे करना चाहते हो तो वो सही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप रखना चाहते हो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो सही है यहाँ पर। ठीक है, देखिए धीरे 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 बुलिश ट्रेंड में आ रहा, तो जब इधर आ जाएगा तो स्पीड भी बढ़ जाएगा। लेकिन होता है ना कि जब आज आपने पेड़ लगा या अपने घर में, तो वो आज फल देना स्टार्ट नहीं करेगा, उसके लिए 3 इयर्स या 5 इयर्स चाहिए। ठीक है, 3 साल या 5 साल चाहिए। अगर आप आज ही उसको हटा दोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी हम जब भी काम करते हैं तो दोस्तों आपको कम से कम तो होल्डिंग में मतलब कि पेशेंस के साथ रखना चाहिए। देखिए अमीरों की सोच, वॉरेन बफेट, जॉर्ज सोरोस, राकेश झुनझुनवाला, जितने भी लोग हैं बड़े बड़े शेयर मार्केट से पैसा कमाए हैं, वो जब भी कोई स्टॉक को खरीदते थे ना, तो कम से कम उनका जो मिनिमम होल्डिंग ये रहता था, पैटर्न रहता था दोस्तों, कम से कम 15 से 20 ईयर्स को होल्ड रखते थे, 15 से 20 साल कम से कम तो होल्ड रखते थे, कम से कम। ठीक है, ज़्यादा का बात नहीं पता, कम से कम तो 15 से 20 साल होल्ड रखते थे। ठीक है, हमारी देखो हमारी इतनी हैसियत कि अगर 15 मिनट हम किसी स्टॉक में टिक जाएँ तो स्टॉक मार्केट ही हिला देते हैं। मतलब जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं किसी भी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों 15-20 साल के लिए लगाते हैं। हमारी इतनी मजाल भी नहीं है कि हम किसी स्टॉक में 15 मिनट भी टिक पाए, तो वो या 15 दिन भी टिक पाए। ठीक है, 15 मिनट या 15 दिन, इंट्राडे में 15 मिनट, 15 मिनट, और जो करते हैं इन्वेस्टमेंट तो वो 15 डेज भी नहीं टिक पाता। इसी तरह से क्या होता है, आप देखनी, आपने बहुत टाइम देखा होगा दोस्तों, जब भी आप स्टॉक को खरीद लेते हो, ठीक है, स्टॉक को जब खरीद लेते हो, ठीक है,
वो नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है, नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्या करते हो, बेच देते हो उसको, अरे यार गिर रहा प्राइस। लेकिन फाइनली जब वो बाउंस बैक मारता है तो क्या आपको खराब नहीं लगता? खराब लगता है ना, यार मैंने बेच दिया, नहीं तो अभी रखा रहता, होल्ड किया रहता तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो स्टॉक गिर रहा है, गिर रहा और कितना गिरेगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि येस बैंक जैसे, DHFL जैसे, PC ज्वेलरी ऐसे, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इन्फ्रा जैसे स्टॉक में नहीं, क्वालिटी वाले बिजनेस में पैसा लगाइए। अगर थोड़ा बहुत गिरता है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्वांटिटी वाले बिजनेस में पैसा लगाइएगा तो दिक्कत होगा। आप क्वांटिटी वाला बिजनेस कौन होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। क्वांटिटी वाला बिजनेस एक एग्जांपल दूं तो येस बैंक, येस बैंक 400 के आसपास था, 200 के आसपास था, तो एक क्वालिटी था। अब क्या बन चुका है दोस्तों, वो क्वांटिटी, अब लोग जो है उसको 1000, 2000, 5000 खरीद खरीद के अपने पोर्टफोलियो में लग रहे हैं, ठीक है। वो क्या बन चुका, क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी उन्होंने खरीदा, 5000 क्वांटिटी खरीदा, तो वो बिजनेस से क्वालिटी हट चुका है, क्वांटिटी बचा है। तो ऐसे बिजनेस में पैसा लगाने से पहले जरूर सोचिएगा, क्योंकि पैसा आता बहुत मेहनत से, जाता बहुत आराम से, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, और मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में।